नमस्कार दोस्तों, वेलकम सबका हमारे ब्लॉग में। देखिए मैं जा रहा हूँ गेहूँ पिसाने। देखिए पीछे जो गेहूँ का गट्ठर लगा हुआ है और उसी दूर है जो चक्की आटे का, मैं वहाँ ले जा रहा हूँ पिसाने गेहूँ को। और तेल की जो है पिराई करवाना है सरसों का। उस टाइम के बाद मैं पहुँच जा रहा हूँ मशीन पर। रास्ता वहाँ पर जाने के लिए गाँव का रास्ता है जो पक्की रोड बना हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ। यहाँ जो है गेहूं की खेती की गई थी, देखिए सब गेहूं कट गया चारों तरफ। थोड़ा बहुत अभी लगा हुआ गेहूं कहीं कहीं पर। देखिए जो है यहाँ पर छोटा सा चौराहा आ गया है। यहाँ गांव में भी छोटे छोटे चौराहे होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लोग शाम को आते हैं चाय पानी नाश्ता करने यहाँ पर, तो सुंदर लगता है गाँव का चौराहा। छोटा सा ही होता है, 8-10 दुकान होते हैं यहाँ जो है आस पास, और गाँव होते हैं किनारे। देखिए जो है यहाँ सब जो है दिख रहा होगा, देखिए जो है सब चल रहा है। ये रास्ता जा रहा है यहाँ पर जो है गांव की तरफ। देखिए मैं पहुँच जाऊँगा मैं मशीन पर, और अभी दिखाता हूँ मैं। दूर दूर से लोग आते हैं गेहूँ पिसवाने वहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है गेहूँ काट दिया गया था और सब खाली हो गए हैं खेत। गांव से थोड़ा दूर जाना पड़ता है गेहूँ पिसवाने पर। जो है कुछ लोग सड़कों किनारे घर बनवा के जो है दुकान वकान भी खोल दिया करते हैं, जिसे थोड़ा चार पार रहता है सड़क के किनारे। देखिए कोई कार आ रहा है जो है कितना तेज से गर्दा उड़ाते हुए। गांव में ऐसे ही लोग गाड़ियों को चलाते हैं लगभग। बस मैं थोड़े ही करीब हूँ और मशीन के पास पहुँचने वाला हूँ। दोस्तों मैं लगभग करीब ही पहुंच गया हूं मशीन के। देखिए आवाज़ आ रही होगी आप सबको मशीन की, आटे चक्की की जो है, मैं पहुंच गया हूं। देखिए दोस्तों मैं पहुंच गया खाली चक्की की तरफ। देखिए चक्की चल रहा है दोस्तों। देखिए जो है सरसों की कढ़ाई चालू हो गई है यहां पे, और मशीन पर पड़ चुका है। सरसों पहले करना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जो है मैं गेहूँ पिसा चुका हूँ और सरसों की पिराई हो चुकी है। मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।